हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबाइल मेनिया। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेडमी नोट 4 का, सॉरी रेडमी 4 का और चाइना वर्जन में रेडमी 4 एक्स के लिए कि आप इसमें TWRP रिकवरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स, जिसमें आपको बहुत अलग अलग तरीके बताए गए हैं, पहले रूट करके ये वो करके, पर फाइनली वो नहीं हो पाता। चलिए मैं आज आपको एक ईजी सा प्रोसेस बताऊँगा जिसमें ये बहुत जल्दी और तुरंत हो सकता है। तो TWRP इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपका तो बूट अनलॉक होना चाहिए। बूट अनलॉक कैसे करते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लीजिए। अगर आपका बूट अनलॉक है तो आप डेवलपिंग में जा करके, डेवलपर मोड में जा करके USB डिबगिंग को ऑन कर लीजिए। और ये देखिए स्क्रीन पर जो ये एक है TW इंस्टॉलर फॉर रेडमी 4X, इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसे हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट टू TWRP में कर दीजिए। और ये एक्सट्रैक्ट हो गया हमारा, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इस पर ADB EXE पे क्लिक करना है। कंप्लीट हो जाने के बाद फास्ट बूट EXE पे भी क्लिक करना है और उसके बाद TWRP इंस्टॉलर बैट पे क्लिक करना है। ठीक, अब इसके बाद हमें फ्रेंड मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए हमें मोबाइल को बूट लोडर में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में जा करके आप चेक कर लें कि आपका USB डीबगिंग ऑन है कि नहीं डेवलपर ऑप्शन में। अब ये मत बोलिएगा कि डेवलपिंग ऑप्शन आपको निकालना नहीं आता। USB डीबगिंग देख सकते हैं आपका अनलॉक है फ्रेंड, ऑन किया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ OEM अनलॉक जो है इसे भी हम ऑन करके अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद आपको करना है फ्रेंड कि पावर का बटन और वॉल्यूम डाउन का बटन, इन दोनों को एक साथ प्रेस करके कुछ सेकंड के लिए रखना है, जिससे कि ये बूट लोडर ऑन हो जाएगा इस मोबाइल का। देख सकते हैं फ्रेंड, ये आपका बूट लोडर ऑन हो चुका है। अब हम इसमें USB को प्लग करते हैं। प्लग करने के बाद अब हम फ्रेंड यहाँ पे हमें कहा जा रहा है इंटर प्रेस करने के लिए। तो जैसे ही आप किसी भी की को प्रेस करते हैं, अगर हम इंटर को प्रेस करते हैं तो ये हमारा वर्क करना शुरू कर देगा। फिर से एक बार आपको इंटर दबाना है, ये थोड़ा सा वक्त लेगा और हम फिर से एक बार इंटर दबाएंगे और ये प्रोसेस आपका डन हो चुका है। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड कि आपके TWRP इजीली बहुत आसान तरीके से इंस्टॉल हो चुका है फ्रेंड। अब अगर आप इसमें इजीली अगर आप इसको रूट करना चाहो तो रूट कर सकते हो। आप देख चुके हो कि इसमें TWRP कितनी आसानी से बिना रूट किए हो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे फ्रेंड, थैंक यू।